हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर समस्तीपुर से है, जहां पर समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा यात्रियों के सुविधाओं के साथ साथ समस्तीपुर रेल मंडल ने वहां के कर्मचारियों की भी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। दोस्तों, हुआ क्या है कि वहां के एक सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट के रेलवे के कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा 24 घंटे के अंदर उनकी वाइफ को ग्रुप डी के पद पर नियुक्ति पत्र दी गई। यानी कि पहला बार ऐसा इतिहास में हुआ है जिसमें कि 24 घंटे के अंदर उसके किसी वाइफ को जो है इस तरह के लिए जॉब की नियुक्ति पत्र रेलवे के द्वारा दी गई है। दोस्तों, अगली खबर मालदा से है, जहां पर नई दिल्ली से मालदा के बीच चलने वाली नई दिल्ली मालदा एक्सप्रेस, जिसे कि दिसंबर 2018 में घने कोहरे के कारण बंद कर दिया गया था। यात्रियों की बहुत दिन से यह आस थी कि इस ट्रेन को लगता है रेलवे के द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन रेलवे के द्वारा 4 महीने के बाद इस ट्रेन को पुनः जो है चालू कर दिया गया है, जिससे वहां के यात्रियों में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि अचानक से ऐसे ट्रेनें बंद हो जाने के बाद पुनः जो है रेलवे के द्वारा इस तरह से ट्रेनों का परिचालन जो है शुरू कर दिया गया है, जिससे उस पर चलने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा खुशी है। दोस्तों, अगली खबर मुंबई से है, जहां पर मुंबई हाई कोर्ट ने रेलवे को सख्त आदेश दिए हैं कि इस साल के अंत तक मुंबई की जो लोकल ट्रेनें हैं उसमें जो लेडीज़ कोच हैं उसे सारे लेडीज़ कोच में पैनिक बटन लगाए जाएं, और साथ ही साथ जितनी भी लोकल ट्रेनें हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ऐसा हुआ इसलिए है कि वहाँ पर जितनी भी क्राइम हो रही है, इस क्राइम को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। दोस्तों, पैनिक बटन से होगा क्या कि लेडीज़ कोच में एक बटन होगा जिसे दबाने से वहाँ पर RPF लोग तुरंत पहुँच जाएंगे, जिससे उनको किसी भी तरह की अगर कोई आशंका या अनहोनी है तो उससे जो है निजात मिलेगी। तो इस तरह से हाई कोर्ट के द्वारा एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, जिसमें कि सारी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे और लेडीज़ कोच में पैनिक बटन इस साल के अंत तक रेलवे के द्वारा लगाए जाएंगे। दोस्तों, अगली खबर पुरी से है, जहां पर पुरी जाने वाली जो जितनी भी ट्रेनें हैं रेलवे के द्वारा 10 तारीख तक सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। कंडीशन यह है कि अभी जो फोनी नाम का जो अभी ये साइक्लोन आया, उसमें जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगामी जो है 10 तारीख तक जितनी भी ट्रेनें पुरी स्टेशन तक जाएंगी उसे जो है अभी कैंसिल कर दिया गया है। बाकी ट्रेनें भुवनेश्वर तक जा रही हैं, तो इस तरह से अगर आप वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए अभी ये थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी ट्रेनें जो है वहाँ परिचालन रोक दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर पुणे से है, जहां पर इंडियन रेलवेज के द्वारा पुणे रेलवे स्टेशन पर जितने भी RPF हैं उनको एक प्रकार का जैकेट दिया जा रहा है। इस जैकेट में होगा क्या कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ये RPF जो है जहां जहां चलेंगे स्टेशन पे वहां के प्लेटफॉर्म पे इस सीसीटीवी कैमरे के द्वारा जो है लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। इससे वहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो कि मोबाइल लूटपाट और जिस तरह की जो है जेब कतरे लोग ऐसे काम करते थे, तो इसीलिए जो है वहाँ के RPF को इस तरह का जैकेट दिया जा रहा है, और ये जैकेट जो है कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे वहाँ पर लोगों की निगरानी करेंगे। इस कैमरे की जो बैटरी बैकअप बताया जा रहा है 8 घंटे का है, यानी 8 घंटे तक पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे ये कंटिन्यू, उसके बाद उसे जो है एक मेमोरी में सेव कर लिया जाएगा, और वहाँ पर जितनी भी लाइव है उसको देखकर उसको बाकी चीज़ों को डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा जो है डिसीजन ली है, और आगे धीरे धीरे अगर ये सक्सेस रहा तो सभी रेलवे स्टेशन पर जो जो बड़े रेलवे स्टेशन है उस तरह पर वहाँ पर RPF को इस तरह का जैकेट दिए जाने का फैसला लेगी। दोस्तों, आज के रेल न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं कल के रेल न्यूज में, तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।